गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टार्ट अवर फोर्थ कंप्यूटर चैप्टर, कंप्यूटर मेमोरी। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस इन प्रीवियस चैप्टर्स और क्लासेस। We all know computer system is divided into three parts: input, process, output. Input unit consists input devices, just like keyboard, joystick, scanner, mouse. As you have been seen those images in your books. Second is output unit. Output unit includes output devices such as monitor, speakers, webcams, printers. बेटा जो रिजल्ट हमें इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जब हम कंप्यूटर में एंटर कराते हैं वो हमें रिजल्ट जो डिस्प्ले होता है वो होता है हमारी आउटपुट यूनिट्स पे। जैसे कि हम कीबोर्ड से डाटा एंटर करते हैं तो हमें मॉनिटर पे शो होता है, हम वहाँ से पिक्चर मूवीज़ देखते हैं तो हमें जो विजुअल है वो मॉनिटर पे शो होता है और उसका जो आउटपुट है वो हमें स्पीकर्स पे सुनाई देता है। वेबकैम जब हम अपनी पिक्चर्स लेते हैं, प्रिंटर्स जब आप अपने प्रोजेक्ट के लिए प्रिंटआउट्स बाजार से निकलवाते हैं, तो इनपुट आउटपुट यूनिट जो है वो मिलजुल कर काम करती है। लेकिन उन दोनों को मिलजुल कर काम करने के लिए हमें उनको मेमोरी में सेव करना पड़ता है। उनके बीच में जो काम करती है वो होती है हमारी मेमोरी यूनिट। तो हम इस चैप्टर में मेमोरी यूनिट को अच्छे से समझेंगे। मेमोरी यूनिट जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट होती है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। सेकेंड होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU। थर्ड होती है हमारी कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। आप सबको ये पिक्चर नज़र आ रही है। इसमें हमने सबसे ऊपर देखो मेमोरी ऑफ स्टोरेज यूनिट यानी कि MU, बीच में होती है कंट्रोल यूनिट यानी CU और लास्ट में होती है ALU। ये जो कंट्रोल यूनिट है ये यूनिट जो है हमारी इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट को कंट्रोल करती है, और दोनों जो ALU यूनिट है वो हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस यानी कि मैथमेटिकल फंक्शंस ये सब काम करती है, और मेमोरी ऑफ स्टोरेज यूनिट जो है यानी MU जो है वो हमारे काम को कंप्यूटर में सेव करती है। मेमोरी यूनिट, द मेमोरी यूनिट इज़ द मेन प्राइमरी स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो मेन जहाँ पर हमारी स्टोरेज होती है वो हमारी मेमोरी यूनिट में होती है। ये हमारे डेटा को जो हम कंप्यूटर में डालते हैं या इंस्ट्रक्शंस जो हम काम करने के लिए कंप्यूटर को कहते हैं वो सब हमारा इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट से आउटपुट यूनिट तक ले जाने का काम भी हमारा मेमोरी यूनिट के अंदर ही होता है। अब जो मेमोरी यूनिट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंड होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी भी आगे फर्दर दो पार्ट्स में, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी वो हमारे कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उसको हम कई अलग अलग जगहों पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज हम बस इतना ही करेंगे, कल हम इस मेमोरी के आगे पार्ट्स को फर्दर डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।